ज्ञान यज्ञ की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। टैली के इस अध्याय में हम सीखेंगे ट्रांजैक्शंस की एंट्री कैसे करें, यानी हाउ टू एंटर ट्रांजैक्शंस। एक बार आपको फिर ध्यान दिला दें, ट्रांजैक्शन एंट्री करने के पहले फीचर्स के अंतर्गत अकाउंटिंग फीचर्स में जितने भी फीचर्स हैं उसमें से अलाउ इनवॉइसिंग फीचर को छोड़ करके बाकी सारे फीचर्स आप बंद कर दें। इस बारे में हम आपको टैली के पार्ट 20 में भी समझा चुके हैं। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। हमारा अगला ट्रांजैक्शन हुआ है 12 अप्रैल 2010 को, जिसमें सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी नगद में माल बेचा 2000 रुपये का। यहाँ पर 25 किलो लाल मिर्च पाउडर बेचा 80 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से, तो ये 2000 रुपये का माल बेचा। यहाँ जो दो खाते प्रभावित हुए वो चूंकि कैश में बेचा तो कैश अकाउंट, और सेल की है इसलिए सेल्स अकाउंट। अब ये रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट हैं, इनके नियमानुसार यहाँ पर कैश अकाउंट जो है वो डेबिट होगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब हम चलते हैं टैली पर। अब चूंकि माल बेचा गया है इसलिए ये एंट्री सेल्स में होगी, सेल्स के लिए एफएट की हमने प्रेस की। अब यहाँ पर जैसे ही हम सेल्स वाउचर चुनते हैं तो जो स्क्रीन हमारे सामने आती है वो इस तरह की होती है, ये एज इनवॉइस है जिसमें कि इस तरह से सारे पर्टिकुलर्स रहेंगे। अब अगर आप इस एंट्री को सेल्स में एज वाउचर करना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है एज वाउचर का, उसके लिए हम कंट्रोल वी प्रेस करेंगे। कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। देखिए कुछ जो शॉर्टकट कीज दी हुई हैं उनके नीचे सिंगल लाइन है। सिंगल लाइन का मतलब है कि आपको वो जो की है अल्टर के साथ दबानी है, और यहाँ पर डबल लाइन दी हुई है उसके नीचे जिसका मतलब है इस की को कंट्रोल के साथ प्रेस करना है। चूंकि वी के नीचे दो लाइन है इसलिए कंट्रोल के साथ वी प्रेस करेंगे। तो ये देखिए एज वाउचर जब हम चुनेंगे तो इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने आएगा। इसमें पर्टिकुलर्स हैं, इसमें डेबिट और क्रेडिट होगा जैसे कि हम बाकी वाउचर्स में एंट्री करते हैं उस तरह से। कंट्रोल वी दबा करके वापस हम एज इनवॉइस पर आ जाते हैं और अब हम इसमें एंट्री करते हैं। सबसे पहले हम चेंज करेंगे डेट, उसके लिए F2 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम डेट डाल देंगे 12 अप्रैल। अब यहाँ देखिए सबसे पहले है रेफरेंस। रेफरेंस में यदि ग्राहक की तरफ से आपको ऑर्डर मिला है तो आप या तो ऑर्डर नंबर डाल सकते हैं या फिर यदि आप डिलीवरी चालान दे रहे हैं तो उसका नंबर डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर अपना डिलीवरी चालान नंबर दे रहे हैं, एंटर प्रेस करके आगे आएंगे। अब अगर उधार माल दिया है तो यहाँ पर जिस पार्टी को हमने उधार माल दिया है उस पार्टी का नाम आएगा, पर चूंकि हमने माल कैश दिया है इसलिए हम कैश चुनेंगे। सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट, और अब हमको बताना नेम ऑफ आइटम। नेम ऑफ आइटम था रेड चिली पाउडर, ये रेड चिली पाउडर हमने चुन लिया। क्वांटिटी थी 25 kg, रेट 80 रुपीज़ पर kg के हिसाब से हो गया 2000 रुपीज़। एंटर प्रेस करके ये देखिए आगे आए। अगर कोई और आइटम हो तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और अगर नहीं हो तो एंटर प्रेस करते जाएं जब तक कि एंड ऑफ लिस्ट आ जाए। ये देखिए इस तरह से जो भी पर्टिकुलर्स थे वो हमने यहाँ पर लिख दिए। अब अगर हम देखना चाहें कि ये एज वाउचर अगर हम एंट्री करते तो कैसी नज़र आती, और ये देखिए एज वाउचर हमारी जो एंट्री है वो इस तरह से रहेगी। एंटर प्रेस करते जाएं आपको बाकी चीज़ें पता चलती जाएंगी। जो डिटेल्स हैं वो यहाँ भी होते हैं पर वो आपको मेन स्क्रीन पर नज़र नहीं आते हैं। फिर एंटर प्रेस आप करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पर आप नरेशन पे आ जाएंगे। यहाँ पर हमने नरेशन डाली गुड्स सोल्ड फॉर कैश, और इसके बाद एंटर प्रेस करके ये देखिए हम एक्सेप्ट डायलॉग बॉक्स पर आ गए। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए हम एंटर प्रेस कर देंगे। आइए अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजैक्शन। हमारा अगला ट्रांजैक्शन हुआ 14 अप्रैल को। व्यवसाय के स्वामी ने निजी खर्च हेतु व्यापार से 500 रुपये निकाले। अब यहाँ पर चूंकि विड्रॉल है, व्यापार में से 500 रुपये निजी खर्च हेतु निकाले जा रहे हैं, इसलिए ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पर एक तो प्रभावित हुआ और दूसरा कैश निकाला इसलिए कैश अकाउंट प्रभावित हुआ। ड्रॉइंग अकाउंट आता है पर्सनल अकाउंट में और कैश अकाउंट आता है रियल अकाउंट में। इनके नियमानुसार ड्रॉइंग अकाउंट को हम डेबिट करेंगे
और कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो अब ये 14 तारीख का जो ट्रांजैक्शन है, अब इसको हम टैली में करते हैं। अब यहाँ पर जब हम टैली में इसकी एंट्री करने जाएंगे, तो सबसे पहला सवाल ये कि इसकी एंट्री कौन से वाउचर में होगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि बिजनेस से जिस भी चीज़ के लिए पेमेंट किया जा रहा है, माल खरीदने को छोड़कर, वो सारी एंट्रीज पेमेंट में होती है। अब यहाँ पर भले ही व्यापार का स्वामी पैसा ले रहा है, पर वो पे किया जा रहा है बिजनेस द्वारा। तो चूंकि बिजनेस में से वो पैसा पे किया जा रहा है, इसलिए इसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर में होगी। F5 की हम प्रेस करेंगे और ये पेमेंट वाउचर पर हम आ गए। अब यहाँ पर डेबिट हो रहा है ड्रॉइंग अकाउंट, यहाँ पर अमाउंट हम डाल देंगे 500 रुपये, और क्रेडिट हो रहा है कैश अकाउंट। ये कैश हमने क्रेडिट कर दिया। तारीख हमको बदलनी है, तारीख हम बदलेंगे, 14 तारीख हमने यहाँ डाल दी। और अब हम लिखेंगे नरेशन, नरेशन हमने लिख दी विड्रू कैश, एंटर प्रेस किया। अब इसको एक्सेप्ट कर लें। अब हम देखते हैं हमारा अगला ट्रांजेक्शन। हमारा अगला ट्रांजेक्शन हुआ है 15 अप्रैल को, जिसमें मोहन सोहन एंड कंपनी को नगद माल बेचा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मोहन सोहन एंड कंपनी, 7000 का माल बेचा गया, जिसमें कि 50 किलो बासमती राइस है, जो कि 72.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया, और 50 किलो सोयाबीन तेल है, जो कि 67.50 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचा गया। अब यहाँ पर कैश अकाउंट प्रभावित हुआ, और चूंकि सेल है इसलिए सेल्स अकाउंट प्रभावित हुआ। नियमानुसार कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा। अब इसकी हम एंट्री करते हैं टैली में। अब यहाँ पर सेल हुई है, इसलिए हमको जाना होगा सेल्स में। F8 की हम प्रेस करेंगे, ये सेल्स वाउचर आ गया। यहाँ पर जैसी हमने पहले आपको एंट्री बताई थी, उसी तरह से हम एंट्री करेंगे। रेफरेंस नंबर जो भी है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पार्टी का अकाउंट नेम, चूंकि हमने कैश में बेचा है माल, तो कैश अकाउंट हो गया। सेल्स लेजर एंटर प्रेस कर दिया, आगे हम आ गए। तारीख हम बदल दें, F2 हमने प्रेस किया, ये 15 आ गई है। एंटर प्रेस करें, तारीख चेंज हो गई। अब यहाँ पर हमको नेम ऑफ आइटम्स लिखना है। सबसे पहले बासमती राइस, बासमती राइस हमने लिया, क्वांटिटी जो बेची है वो है 50 किलो, और रेट है 72.50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से ये अमाउंट आ गया। एंटर प्रेस करेंगे। अब दूसरा आइटम जो था हमारा, वो था सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल भी 50 केजी हमने बेचा है, 67.50 पैसे के हिसाब से, और ये हो गया हमारा अमाउंट 7000 का। अब हम इसको एंटर प्रेस करते जाएं जब तक कि एंड ऑफ लिस्ट ना आ जाए, क्योंकि हमने दो ही चीज़ें बेची थी। और एंटर प्रेस करेंगे तो नरेशन पे आ जाएंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ये हमने नरेशन लिखा, एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट कर लेंगे।